थैंक यू वेरी मच। मैं आप लोगों को शुक्रिया अदा करने चाहती हूँ कि आज आप मुंबई में, दिल्ली में और उत्तर प्रदेश में तीन लैब जिसको ICMR को दिया है, NICED उसको चलाएंगे, ठीक है, स्टेट को मदद मिलेंगे जरूर, लेकिन ऐसा कुछ लैब आप अगर स्टेट गवर्नमेंट का हाथ में भी देंगे कि स्टेट गवर्नमेंट का हॉस्पिटल को, तो उसमें भी हम लोगों को अच्छा होगा टेस्ट बढ़ाने के लिए। मैं प्रधानमंत्री जी को थैंक्स देने चाहूंगी इसी के लिए कि उन्होंने कोरोना के बारे में बहुत दफे डिस्कशन भी किया है और अभी तक मैंने नहीं देखा कि उन्होंने कोई नॉन कोऑपरेशन किया है। कोई कोई तो नॉन कोऑपरेशन करते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में रहते भी हर रोज स्टेट को तंग करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। जो हम लोग चाहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, बोथ आर द इलेक्टेड गवर्नमेंट, लेट अस वॉक टुगेदर, लेट अस वॉक विथ ऑल द ऑफिशियल्स ऑल्सो, ऑल द ऑफिशियल्स आर ऑल्सो टुगेदर। समबडी मे बी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, समबडी मे बी स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, बट ऑल वी आर वर्किंग टुगेदर। टूडे आई वॉन्ट टू कंग्रेचुलेट उद्धव ठाकरे जी बिकॉज ऑफ हिज गुड डे, स्पेशली द बर्थडे, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। मैं उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर को भी थैंक्स कहने चाहूंगी और प्रधानमंत्री को जरूर, हर्षवर्धन जी को और साथ साथ में ऑफिसर को। हमारा इधर में भी अभी पहले हमारा एक ही लैब था, टेस्टिंग लैब, अभी हमारा 56 तो हुआ, लेकिन इसमें 26 जो लैब है इसमें 25-30 होता है, बहुत छोटा छोटा, हमारा बेंगाल में बहुत कम था। इसी के लिए पहले बंगाल में टेस्टिंग कम हुआ था, लेकिन अभी 16,000 एवरीडे टेस्टिंग हो रहा है, 8 लाख का ज्यादा टेस्टिंग अभी हो रहा है और 15 अगस्त तक हम लोग इसको 25,000 तक हम ले जाएंगे, ये हमारा प्लानिंग भी है। हमारा इधर में जो अभी टेस्टिंग लैब का साथ साथ में हमारा डिस्चार्ज रेट अभी इधर में 64.29% है। हमारा जो सीरियस पेशेंट का केस है इसमें 5% है, ज्यादा डरने का बात नहीं है, स्पेशली वो द सारी पेशेंट, द प्रॉब्लम इज विद द सारी पेशेंट, दैट्स व्हाई वी अलाउड आवर आशा वर्कर्स टू विजिट डोर टू डोर सो मेनी टाइम्स, मोर देन 30 करोड़, 30 करोड़ का ज्यादा टाइम वो लोगों ने डोर टू डोर किया है। और इसी में तो एक चीज अच्छा निकाला कि हमारा जो सारी पेशेंट कितना है, बहुत कम है, हम उसको आइडेंटिफाई कर लिया। हमारा जो ILS पेशेंट है हम उसको आइडेंटिफाई कर लिया और उसके साथ हमारा स्टेट गवर्नमेंट देखा है कि 5% आर सीरियस एंड स्पेशली 86% बिकॉज ऑफ द कॉमोडिटीज डिजीज। एंड हमारा अभी टेस्ट भी अच्छा हो रहा है और हमारा ट्रीटमेंट कंप्लीटली फ्री है। प्राइम मिनिस्टर आप विश्व को कह सकते हैं कि हमारा एक स्टेट है वेस्ट बंगाल जिसमें कोविड पेशेंट के लिए स्टेट गवर्नमेंट इज गिविंग टोटल फ्री ट्रीटमेंट, टोटली फ्री ट्रीटमेंट along with the bed, the injection or the medicines or everything. Treatment is completely free, designated COVID hospital 81, उसमें हम प्राइवेट को भी ले लिया गवर्नमेंट से और उसको भी हम फ्री में कर रहा है। जो प्राइवेट हॉस्पिटल को हम ले लिया गवर्नमेंट से उसको भी हम फ्री में कर रहा है। हम ऑनलाइन किसी को भी मर्जी के अन्य हॉस्पिटल में भर्ती होते जाऊंगे तो इसके लिए हम डॉक्टर्स का स्पेशल टीम बना दिया, ऑनलाइन भी एप्लीकेशन कर सकते हैं, ऑनलाइन भी बात कर सकते हैं, हम टेलीमेडिसिन भी कर दिया, ऑनलाइन उसको एक्सेस भी कर दिया। हमारा 106 हम सेफ हाउस बनाया कि और बहुत लोग है जो करे ना क्वारंटाइन सेंटर में जाने से डरता है, लेकिन सेफ हाउस है, जस्ट सेफ होम के मापिक है, स्वीट होम का मापिक है, इसी के लिए लोग ज्यादा पसंद करते हैं। तो हम लोग 106 जो हम सेफ होम बना दिया है और सेफ होम में भी हमारा ओनली 12-13% पीपुलर रहता है उसका, क्यों ये लोग चाहते हैं कि घर में रहना अच्छा है, घर में रहना कंफर्ट फील करता है, दैट्स गुड। वो होम तो सबको लिए एक अच्छा प्लेस होता ही है। हमारा सैटेलाइट हेल्थ फैसिलिटीज डेवलप कर दिया है, हमारा सेपरेट हेल्थ फैसिलिटीज फॉर प्राइवेट हॉस्पिटल भी कर दिया है, टेलीमेडिसिन सर्विस भी कर दिया है, सेंट्रलाइज्ड कॉल सेंटर सर्विस भी कर दिया है। हमारा डिस्ट्रेस्ड पेशेंट के लिए 24/7 हम लोग कॉल सेंटर भी चल रहा है। ये तो हम लोगों ने जितना भी संभव है हमने कर दिया, लेकिन हमारा 2-3 रिक्वेस्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट को। एक तो है कि हमारा फाइनेंशियल बर्डन बहुत बढ़ रहा है, कोविड के लिए हमारा 2,500 करोड़ से ज्यादा खर्चा हो गया, लेकिन NHM से हमारा खाली 125 करोड़ मिला है। सर मैं प्राइम मिनिस्टर को रिक्वेस्ट करने चाहूंगी
कि हमारा 53,000 करोड़ अभी भी हमारा मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट से। हम 6 महीना से कोशिश कर रहे हैं, जो हमारा स्टेट का मनी हमारा पड़ा है, सर मेहरबानी करके इससे कुछ कुछ तो दिलाएंगे तब हम लोग काम कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि हमारा जो जीएसटी का भी कंपेंसेशन, जो हमारा 4,135 करोड़ रुपी अप्रैल टू मई हमको नहीं मिला, जो अभी जो जून 2020 में मिलना था वो भी हमारा नहीं मिला। मैं आपको विनती करने चाहूंगी कि हमारा जो रुपया पड़ा है इसको प्लीज मेहरबानी करके दिला दीजिए। इससे भी ज्यादा भी है कि आप एफआरबीएम पे आप 3-5% आप रिलैक्स कर दिया, एंड दिस इज गुड। लेकिन सर एक ही रिक्वेस्ट है, इसमें क्या किया फाइनेंस मिनिस्ट्री, 0.5% ओनली, 0.5% 3% में क्या किया कि स्टेट गवर्नमेंट का मुताबिक स्टेट गवर्नमेंट कर सकता है फाइनेंशियल खर्चा एक्सपेंडिचर, लेकिन 2.5% में कंडीशन लगा दिया। जैसे कंडीशन लगा दिया हम 0.5% में 2-3 कंडीशन लगा दिया, एक कंडीशन मेहरबानी करके आप विड्रॉ कर लीजिए सर, नहीं तो 3% एफआरबीएम का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। और इसको विड्रॉ करने से स्टेट गवर्नमेंट का पास भी थोड़ा कोविड के लिए और भी ज्यादा जो डिजास्टर हुआ है उसको काम करने के लिए थोड़ा मौका मिलेगा, नहीं तो एफआरबीएम 3% 0-5% करने, 2-5% करने का मौका हमारा कोई काम पे नहीं आएगा। ए मेरे को पास, मेरे आपका पास एक रिक्वेस्ट है जो उसको विदाउट कंडीशन कर दीजिए। कंडीशन में इतना चला जाएगा तो क्या पेशेंट कोविड को कोई कंडीशन है, किसका पास जाएगा किसका पास नहीं जाएगा? ऐसा जैसा हमारा वी हैव टू फाइट अगेंस्ट द डिजीज नॉट द पेशेंट्स, तो ऐसा हो गया कि एक रिलैक्सेशन का ज्यादा प्रॉब्लम है। सर हमारा अम्फान में आपने आए थे अलोंग विद योर पीएम टीम, इवन सेंट्रल टीम ऑल्सो विजिटेड आफ्टर दैट, दे ऑल्सो सबमिटेड, वी ऑल्सो सबमिटेड आवर 35,000 crores फॉर दिस फ्लड रिलीफ एंड ऑल अम्फान रिलीफ। अभी तक कुछ नहीं मिला है, जो 1,000 करोड़ आपने एडवांस के लिए बोला था वही मिला और कुछ नहीं मिला। सर इसमें हम 6,500 करोड़ अभी दे दिया, लेकिन आप कोविड का टाइम में अगर इसको थोड़ा देख लेते हैं तो अच्छा होगा। सर सेंट्रल इज सेइंग ओनली दैट एसडीआरएफ से आप कोविड में खर्चा करो, अगर एसडीआरएफ इट इज ओनली फॉर इज फॉर डिजास्टर, नाउ नेचुरल कैलामिटीज आ जाएगा तो हम कहां से करेगा? अगर एसडीआरएफ में हम पूरा खर्चा कर देगा कोविड में, तो अगर कल तो फ्लड आएगा, आने का ही हर साल होता है, हमारा इधर में रिवर ज्यादा है, बिहार में है, बंगाल में है ज्यादा रिवर है, आसाम पे है, अगर हम पूरा खर्चा एसडीआरएफ से कर देगा सर, तो हमारा काल अगर फ्लड आ जाएगा, कोई नेचुरल कैलामिटीज ज्यादा आ जाएगा, साइक्लोन आ जाएगा, तो हमारा पैसा कहां से आएगा? हमारा पैसा नहीं आएगा। तो इसी के लिए कोविड केस के लिए आप थोड़ा एक अलग से कर देंगे तो अच्छा है, जो डिजास्टर के लिए जो हमारा जो अम्फान है। और मेरे को और एक रिक्वेस्ट है सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द स्टूडेंट्स, आई थिंक द सेंट्रल गवर्नमेंट यूजीसी दे हैव गिवन अ लेटर गाइडलाइंस 29th ऑफ अप्रैल ऑफ यूजीसी यूनिवर्सिटी के लिए कॉलेज के लिए कि एक गाइडलाइंस दिया था कि आपको अभी टर्मिनल एग्जामिनेशन कंपल्सरी करने का जरूरत नहीं है। हम आपको लेटर भी दिया था 11 जुलाई इसका बारे में, हमारा स्टेट गवर्नमेंट भी दिया और सारे स्टेट गवर्नमेंट भी दिया। अभी यूनिवर्सिटी कॉलेज में जो हम लोगों ने पहले जो उसका गाइडलाइंस था यूजीसी का गाइडलाइंस उसका मुताबिक हम लोगों ने तैयार किया कि इसको जो पहले का रिजल्ट है वो देख के उसको सेमिस्टर जो है उसको देख के उसको प्रमोशन मिलेगा, एग्जाम भी इसमें है। लेकिन अभी यूजीसी क्या किया, अभी एक लेटर दे दिया 6 जुलाई को, उसको रिवाइज कर दिया करके बोलता है आपको पूरा इसको एग्जाम लेने का टर्मिनल एग्जामिनेशन कंपल्सरी है। अगर टर्मिनल एग्जामिनेशन कंपल्सरी है तो हर यूनिवर्सिटी के लिए, हर कॉलेज के लिए, स्टूडेंट के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगा सर, कैसे करेगा? अभी तो स्कूल कॉलेज सब बंद होकर पड़ा है, कब खुलेगा? इसका बाद उसको कब से ठीक में एक साथ में बैठ सकता है, कब कॉलेज जाएगा, इसका ऊपर डिपेंड करता है। इसे तो बेचारा वो लोगों को पढ़ा सुना बहुत दिक्कत हो गया, बहुत नष्ट भी हो गया। तो इसी के लिए वी हैव टू हेल्प द यूथ, वी हैव टू हेल्प द स्टूडेंट्स, एंड आई विल रिक्वेस्ट यू सर प्लीज टेल द एजुकेशन मिनिस्ट्री टू टेक अप द मैटर विद द यूजीसी सो दैट व्हाट वाज द डिसीजन अर्लियर 29th ऑफ अप्रैल व्हाट वी आर अबाइडिंग बाय दैट ऑर्डर दैट शुड बी स्ट्रिक्टली मेंटेन सो दैट देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम फॉर द स्टूडेंट्स। मैं यही बात कहके आपको हम रिक्वेस्ट करने चाहूंगी कि हमारा परफॉर्मेंस जो है स्टूडेंट का उसको देख लीजिए। हम साथ साथ में कहने चाहूंगी कि हमारा
देश में जो लोग कोविड को लेते हैं पूरा देश में कोविड वॉरियर्स को सबको, चाहे डॉक्टर हो, चाहे नर्स हो, चाहे सैनिटाइजेशन जो काम करते हैं, चाहे एमएसएमई हो, चाहे आशा हो, आशा वर्कर भी मेरे को स्टेट में 30 करोड़ हाउस में 30 करोड़, हमारा 2.5 करोड़ परिवार है, लेकिन वो बार बार जाके बहुत सारे काम किया है, चाहे ICDS हो, चाहे आशा हो, चाहे हेल्थ वर्कर हो, चाहे पब्लिक हो, चाहे एनजीओ हो, ऑल पुलिस हो, पुलिस का भी बहुत सारे लोगों को डेथ भी हुआ है, बट दे आर ऑल्सो वर्किंग डे एंड नाइट। सर हमारा स्टेट में हम प्लाजा बैंक बनाया जो हम पे काम पे आएगा, हमारा स्टेट में हमारा कोड ब्लड बैंक भी है, हम लोग कोविड क्लब बनाया जो हमारा काम पे आया। सर एक न्यू कॉन्सेप्ट है, जो कोविड को सफर किया है अभी नेगेटिव हो गया है, वो लोगों को लेके हम एक कोविड क्लब जिला जिला बनाते हैं। इसको क्या है, जो चाहते हैं, बिकॉज कोविड हॉस्पिटल में बहुत सारे आदमी कोविड पेशेंट को टच नहीं करते हैं, डरते हैं, लेकिन जिसको कोविड हो गया है अगर ये लोग कोविड हॉस्पिटल में काम पे आए तो ये लोग डरते नहीं है कि उसको कोविड हो गया है। इसी के लिए हम जिला में कोविड क्लब भी बनाया, और ये कोविड क्लब का साथ में हम बहुत सारे कोविड पेशेंट जो अभी नेगेटिव हो गया है, सुस्त है, उसको हम इसमें काम पे लगा रहा है। इसमें बहुत सारे को हम मुर्शिदाबाद जिला में और कलकत्ता में हॉस्पिटल में काम पे लगाया, दे आर डूइंग वेरी गुड वर्क सर, इट्स ए न्यू कॉन्सेप्ट ऑल्सो। हम लोग ये चाहते हैं कि कोविड हो, चाहे अम्फान हो, चाहे देश का आउट कोई भी डिजास्टर हो, नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर कुछ हो तो एक साथ में काम करना सबसे बड़ा जरूरी चीज होता है। आज का दिन नहीं, एक परंपरा है हमारा डेमोक्रेसी की। इसी के लिए आई थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी, और साथ साथ में भी कहेंगे कि हमारा जो भी हमारा स्टेट बहुत बड़ा स्टेट है, सब आपको पता है, पॉपुलेशन इज ऑल्सो वेरी हाई, देर आर सो मेनी पीपल, इट इज अ कॉस्मोपोलिटन स्टेट, सो देर आर सो मेनी पीपल आर स्टेइंग फ्रॉम आउटसाइड ऑल्सो, मीन्स देर आर आवर पीपल, एंड ऑल्सो वी हैव द 8 बॉर्डर सिस्टर स्टेट, इट्स 8 सिस्टर स्टेट द बॉर्डर गेटवे, एंड ऑल्सो बांग्लादेश, नेपाल, भूटान इज ऑल्सो देयर, सो दिस स्टेट इज वेरी सेंसिटिव स्टेट, वी हैव द गेटवे ऑफ बिहार एंड झारखंड एंड उड़ीसा ऑल्सो, देर आर सो मेनी बॉर्डर्स and reflected in West Bengal. So please take a special care for West Bengal. Again, I will request you that whatever the government will take a decision for constructive purpose, we will always be with government of India at this purpose and at this crisis of ours. Thank you so much for giving me this opportunity.